नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसा डेजर्ट बनाएंगे जो खाने में काफी टेस्टी है और उसे बनाना भी काफी आसान है। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी काफी कम है। तो उसके लिए मेनली मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध मैंने बॉयल करके ठंडा करके लिया हुआ है और मलाई उतार के लिया है मैंने इसको दूध को। आप चाहे मलाई के साथ भी ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप टोन मिल्क भी यूज करते हैं तो वो चलेगा। दो मैंने एप्पल लिए, दो टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिए, पांच टेबलस्पून मैंने चीनी लिए। मैं एक टेबलस्पून चीनी और यूज करूंगी, उसे मैं बताऊंगी मैं कब यूज करूंगी। और इसके लिए मैंने वेनिला एसेंस लिए, ये ऑप्शनल है फ्रेंड। और इसके लिए मैंने सिनेमन पाउडर भी लिया है, ये दोनों ऑप्शनल है, आपके पास है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी आप इसके बिना अगर रेसिपी बनाते हैं तो भी काफी टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एप्पल को छील लूंगी और इसको मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट लूंगी। फ्रेंड्स इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है इसे मैं निकाल दूंगी और अब मैं इसे इसमें मिक्सी के जार में काट लूंगी एप्पल को। फ्रेंड्स अब जो मैंने दूध लिया था इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको इतना चलाना है कि जो हमारा एप्पल है वो अच्छे से मैश हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स ये जो एप्पल के पीसेस बचे हैं इसे हमने यूज नहीं करना, अब हम आगे का स्टेप करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये चीनी ऐड कर दूंगी और ये कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लूंगी मैं। फ्रेंड्स अभी मैंने एक एप्पल यूज किया है, दूसरा एप्पल हम बाद में यूज करेंगे। इसे अब मैं अच्छे से मिला लूंगी। हमने इसे नीचे ही मिला लेना है, फिर हम इसे गैस पर इसको ठीक करेंगे। फ्रेंड्स दूध को मैंने अच्छे से चला लिए। मैं आपको बता दूं जो हम दूध ब्लेंड कर रहे हैं वो दूध या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लें या ठंडा दूध लें, गर्म दूध आप बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि एक तो आप उसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, जब आप उसे ब्लेंड करेंगे तो वो बाहर निकलेगा आपके जग में से मिक्सी के, और दूसरा ये कि जब आप उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो क्या होगा उसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए आप या नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लें या ठंडा दूध लें। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सब चीज़ें अच्छे से मिल गई है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसके अंदर मैं एक टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस डालूंगी। फ्रेंड्स इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स अब हमने फ्लेम को हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इसको हमने तब तक चलाना है जब तक कि हमारा ये लिक्विड थिक नहीं हो जाता। फ्रेंड्स दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है और हमने इसको इतना पकाना था कि दूध हमारा लगभग आधा रह जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह का दूध हमें चाहिए था। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम ग्लासेस में जिस ग्लासेस में आप सर्व करना चाहते हैं उसी में आप डायरेक्ट डाल लें, मैं इसे इन ग्लासेस में डाल लूंगी। फ्रेंड्स हमने इनको बिल्कुल पूरा फिल नहीं करना है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए ताकि ये थोड़े से और ठंडे हो जाए, फिर हम इसके बाद इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स दूसरा सेब लेकर मैंने छील लिया, अब इसे हमने पतले पतले पीसेस में कट करना है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने चेक किया था हमारा जो सॉल्यूशन था वो ठंडा हो चुका है और जम भी चुका है, इसका सीड वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया। फ्रेंड्स अब ये मैंने एक पैन लिया, पैन के नीचे मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इस एप्पल को मैं इसमें डालूंगी। फ्लेम को मैं लो टू मीडियम रखूंगी। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं 1 टेबलस्पून शुगर और यूज करूंगी, वो शुगर मैंने ले लिया और उसे मैं इसमें डाल दूंगी। शुगर को हम मेल्ट होने देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी। अब हम इसे हल्का हल्का चला लेंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे और शुगर को भी मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि हमने एप्पल को कैरेमलाइज करना है। फ्रेंड्स एप्पल हमारे लाइट गोल्डन कलर के हो गए, इट मींस एप्पल हमारे कैरेमलाइज हो गए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन यानी कि हमारा डेजर्ट मैंने फ्रिज से निकाल लिया, मैंने आपको बताया ये जो है जम चुका है आप देख सकते हैं, और हमारे सेब जो है कैरमलाइज सेब वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने डेजर्ट को सर्व कर लेते हैं। ये मैंने
सिनेमन पाउडर इसमें डाल लिए, दालचीनी का पाउडर, और 5-6 मैंने बादाम लिए थे उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें ये दोनों चीज़ें तो करें, अदरवाइज आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। अब मैं अपने एप्पल को इस पर डालूंगी अपने डेजर्ट पर। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ये बादाम का जो हमने इसको क्रश करके रखा है उसे डाल दूंगी। फ्रेंड्स हमने इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है ताकि जब हम खाएं तो इसकी बाइट हमें अच्छी लगे खाने में। अब ऊपर से मैं ये थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दूंगी। डेजर्ट हमारा बनकर रेडी है सर्व होने के लिए। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं देखने में ये कितना यम्मी लग रहा है। मैं इसको एक बाइट लेकर भी दिखाती हूँ आपको। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू सो मच।